हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो लेक्चर का हेडिंग है जागो पेरेंट्स जागो। डैट मीन्स ये वीडियो लेक्चर सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स के लिए। टेंथ का एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद ही पेरेंट्स के लिए सबसे बड़ी टेंशन होती है कि वो अपने बच्चे को नीट या जेई के लिए कौन सी कोचिंग में डालें, राइट। तो उसके लिए मैं ये वीडियो लेक्चर लेकर के आया हूँ, जहाँ पे मैं अपना एक ओपिनियन रखूँगा, मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपको शेयर करूँगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैंने जो एक्सपीरियंस किया है कि पेरेंट्स की तीन कैटेगरी मैंने देखी है, राइट। मेजरली एक वैसे पेरेंट्स मेरे को देखने को मिले जो ब्रांड पे जाते हैं, राइट। ब्रांड पे जाने का मतलब यहाँ पे है कि जस्ट वो ये देख लेते हैं कि ये ब्रांड है, यहाँ से AIR1 आया है तो हमारा बच्चा भी यहाँ से AIR1 ला सकता है। बस इतना ही उनके माइंड में चलता है या ये अच्छी कोचिंग है, इसमें हो जाएगा। तो सिर्फ अगर इतना ही सोच करके आप एडमिशन लेते हैं तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि प्रॉब्लम में है। क्यों? क्योंकि आपका जो डिसीज़न कोचिंग लेने का है वो बहुत ही क्रूशियल है, वो आपके लिए भी और आपके बच्चों के लिए भी। क्योंकि वही 11th और 12th ही ये 2 साल ऐसे होते हैं जहाँ से बच्चों की लाइफ या तो बनती है या बिगड़ने के चांसेस रहते हैं। तो इसलिए सिर्फ इतना सोच कर कर कि ब्रांड है, यहाँ से AIR1 आया है, तो ऐसा कर कर के आप एडमिशन ना लें। आप पूरी जानकारी के साथ जा कर के एडमिशन लें। दूसरा, वैसे भी पेरेंट्स हमने देखे जो 5-6-10 कोचिंग को कंपेयर करते हैं कि इसमें लो कॉस्ट है, बस उनका कॉस्ट ये होता है और वहाँ ले लेते हैं। तो ऐसे पेरेंट्स को भी मैं कहना चाहूँगा आप ऐसे डिसीजन ना लें अगर आप लेते हैं तो। तीसरा, वैसे भी देखा हमने कि इनका फ्रेंड यहाँ जा रहा है तो ये भी वहाँ चले जाएंगे, तो ये भी डिसीजन आप ना लें, क्योंकि आपका डिसीजन अभी हमने बताया बहुत क्रूशियल है। नाउ द अगेन क्वेश्चन इज कि मैं कैसे डिसाइड करूँ। तो चूँकि मैं एक NIT फैकल्टी हूँ और मैंने पूरा एक्सपीरियंस किया इस इंडस्ट्री को, तो मैं एक अच्छा ही सुझाव दूंगा, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूं। तो आपको कैसे पता करना चाहिए कि कौन सी कोचिंग में डालना चाहिए? तो सबसे पहले आप जिस भी कोचिंग में एडमिशन लेने जा रहे हो वहां चेक करो कि वहां जो फैकल्टी पढ़ाने वाले हैं वो NITian है या IITian है कि नहीं। ध्यान रहे, ये दोनों विथ BTech होने चाहिए। डैट मीन्स ये वो बंदे हैं BTech वाले जिन्होंने इस एग्ज़ाम को क्लियर किया हुआ है, राइट। तो वो अच्छे से गाइड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एक और कैटेगरी होती है जो पेरेंट्स नहीं समझते हैं। उनको बता दिया जाता है कि ये NITian है या IITian है, जो MSc होते हैं, राइट। तो वो इस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं किए होते हैं, तो वैसे से आपको थोड़ा केयरफुल रहना है। तो ये एक डिसीजन का बेस्ट वे है और इसलिए पहला नंबर पर लिखा है। आपका पूरा अधिकार बनता है, आप जिस भी इंस्टीट्यूट में जाए वहाँ इसकी मांग करें कि ये जो फैकल्टी है इसका दिखाइए हमें, कहाँ है इसका ये डिग्री, राइट। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सेकेंड थिंग, आपको स्मॉल बैचेज पे भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा स्टूडेंट की स्ट्रेंथ होगा, अगर 50 होंगे, 60 होंगे, 100 होंगे, तो ऐसे केस में आपके बच्चे को पर्सनल अटेंशन नहीं मिल पाएगा या आपके बच्चे के डाउट क्लियर नहीं हो पाएंगे। एक ऐसा होगा कि बस ठीक है, लेक्चर हो गया, अगर आपका बच्चा एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्मार्ट है तो ठीक है, कैचअप कर लेगा, नहीं तो फिर उसको बर्डन होगा। तो इस पर भी ध्यान देना है। रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए आपका कोचिंग, डैट मीन्स वहाँ से रिजल्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं कि नहीं, वो रिजल्ट ओरिएंटेड है कि नहीं, कहीं उसका उद्देश्य तो सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। एंड डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी है कि नहीं, क्योंकि सबसे मेजर पॉइंट ये भी हो सकते हैं कि वहाँ पे आपके बच्चे के जो डाउट आ रहे हैं उसको क्लियर करने के लिए फैकल्टी अवेलेबल है कि नहीं, फैकल्टी आपके बच्चे के डाउट अच्छे से कर पा रहा है कि नहीं। तो इन सब बातों को अगर आप सही से कंपेयर कर करके फिर आप अगर कोचिंग का चुनाव कर रहे हैं तो डैट्स गुड। अदरवाइज सिर्फ ब्रांड पे चले जाने से, कॉस्ट को कंपेयर करने से, फ्रेंडशिप से, तो अगर आप ऐसे कर रहे हो तो कहीं ना कहीं फिर दिक्कत में होंगे। क्यों? क्योंकि आपको नहीं मालूम है कि अंदर में क्या चीज़ होते हैं। कुछ इंस्टीट्यूट में ऐसा भी होता है कि स्टार्टिंग आपको स्लो पढ़ाया जाएगा ताकि सब समझ में आए, और उसके बाद फिर फास्ट कर दिया जाता है सिलेबस कम्प्लीट। सिलेबस टाइम पे कंप्लीट हो, डैट इज़ ए गुड थिंग, लेकिन सिलेबस को पहले कर दिया इसका कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि वो आपको कैसे बोल देंगे कि सिलेबस पहले करा देते हैं फिर रिवीजन करेंगे। पहली चीज़, हर बच्चे की एक कैपेसिटी होती है, हर आदमी का एक कैपेसिटी होता है समझने का एक दिन में। आप सिलेबस कंप्लीट करा देंगे क्विकली तो डाइजेस्ट कब करेगा वो? तो इसलिए चीज़ों को एक स्लोली वे में, एक डाइजेस्टिव वे में अगर पढ़ाया जा रहा है तो वैसे कोचिंग में आप ज़रूर एडमिशन लें। थैंक यू।